गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द राइटिंग टास्क वन एंड द टॉपिक इज चार्ट्स बिलो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाइट एंड जनरल हेल्थ ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे पाई चार्ट एज वेल एज टेबल को एक्सप्लेन करना है. इसका कॉम्बिनेशन है तो अलग अलग पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट है पाई चार्ट जो डिस्क्राइब करता है कि उनकी डाइट में क्या क्या वो एड ऑन करते हैं, जैसे फिश, फ्रूट, फूड विद हाई फैट, वेजिटेबल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज, किसी भी प्रकार का अनाज हो सकता है वो. और टेबल जो डिस्क्राइब करता है कि उनकी जनरल हेल्थ कैसी होगी, तो ऑब्वियसली जैसे वो खाना खाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो परसेंटेज होगी वो जनरल हेल्थ ही आएगी. जैसे ओवर वेट, वीकनेस, इलनेस इन द पास्ट ईयर, अटेंडेंस कितनी कितनी आई है ग्रुप ए या ग्रुप बी की क्लास में. Chart illustrates the data of two students groups that present their diet and their general health. Overall, it is apparent that eating habits have a direct connection with health. So, food with the fat content is the most significant cause of the overweight problem and the less attendance. कि ओवरवेट प्रॉब्लम की और लेस अटेंडेंस की जो मेन वजह है वो जैसे हाई फैट वाला फूड होता है वो बन गया है. पहले पाई चार्ट से स्टार्ट करना है अगर टेबल करना चाहते हो तो उसके, क्योंकि पहले हम डाइट के बारे में बताएंगे तो पहले पाई चार्ट को एक्सप्लेन करना है. टू बिगिन विद पाई चार्ट इट प्रेजेंट द डाटा ऑफ टू स्टूडेंट ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. इन ग्रुप ए द सीरियल्स मीन्स अनाज ऑब्टेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ 35% दैट इज 5% मोर देन द फूड विद अ हाई कंटेंट ऑफ फैट. जो फैट वाला फूड ग्रुप ए खाता है उससे 5% ज्यादा वो अनाज की अमाउंट अपने खाने में वो लेते हैं. मीन्स उसका जो सीरियल्स उनका 35% आ गया और फैट वाले फूड का 30% आ गया. इन एडिशन वाइल द प्रपोर्शन ऑफ द वेजिटेबल इन द डाइट इज 22% बट द स्टूडेंट टेक अ लेस देन 10% फ्रूट एंड फिश इन द डाइट, कि उनका 10 से भी कम परसेंट आ गया है जो फ्रूट एंड फिश वो अपनी डाइट में लेते हैं. यहाँ पे उनका अलग अलग भी बोल सकते हैं, जैसे फ्रूट का कितने परसेंट हो गया और फिश का कितने परसेंट हो गया, और कॉम्बिनेशन कंबाइन करके लिख सकते कि दोनों की अमाउंट जो 10% से लेस है. इन कंपेरिजन ग्रुप बी परसेंटेज ऑफ सीरियल्स स्टेज अनचेंज की 35% ए ग्रुप वाले लेते हैं, 35% इतनी ही अमाउंट ग्रुप बी वाले लेते हैं. हाफ ऑफ द प्रपोर्शन इज अक्वायर्ड बाय द फूड विद द हाई फैट कंटेंट, मीन्स की हाफ ऑफ मीन्स 50% जो अमाउंट है वो हाई फैट फूड लेते हैं ग्रुप बी वाले स्टूडेंट जो हैं. स्टूडेंट टेक द सेम रेट ऑफ फिश, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन देयर डाइट, कि जो इन तीनों चीजों की जो अमाउंट है वो सेम परसेंटेज वो अपने डाइट में लेते हैं. इनमें यहाँ पे उनकी परसेंटेज 5% है वो भी बोल सकते हो, अगर इस तरीके से लिखना है तो वो भी लिख सकते हो. ऑन द अदर हैंड पहले तो था सारा पाई चार्ट के बारे में, दूसरा है टेबल के बारे में उनकी जनरल हेल्थ के बारे में. ऑन द अदर हैंड द टेबल शोज दैट द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए आर हेल्थियर देन स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी, क्योंकि उनके खाने की जो डाइट प्लान है वो अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्रुप बी से वो ज्यादा हेल्दियर है. द रेट ऑफ ग्रुप बीज ओवरवेट स्टूडेंट्स इज 20%, कि जो ग्रुप बी में जो ओवरवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 20% है. दैट इज डबल ऑफ द ग्रुप ए, ग्रुप बी में सिर्फ 10% वो रिकॉर्ड की गई है. स्टूडेंट्स हु हैड एन इलनेस इन द पास्ट ईयर इन द ग्रुप ए इज 5% विच इज लेस देन द फिगर्स इन द ग्रुप बी, जो भी ग्रुप बी की फिगर से कम है. कितने परसेंट? 7% कम है. मीन्स कि उनका टोटल 12% आ गया और ग्रुप ए का 5% है. मोर ओवर द डाइट ऑल्सो इफेक्ट द क्लास अटेंडेंस. अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए रीच 90%, उनके 90% रिकॉर्ड की ये परसेंटेज, एंड द परसेंटेज इन द ग्रुप बी इज ओनली 75%. ये इलनेस की वजह से, ओवरवेट की वजह से, उनकी जो डाइट प्लान उनकी वजह से जो उनकी परसेंटेज है अटेंडेंस की वो 75% ही रिकॉर्ड की गई है.
अकॉर्डिंग टू द फिगर बता दूं, जैसे कि पहले था ओवरवेट, उसका 20% है, ए का उससे हाफ रह जाता है। इलनेस आती है बी ग्रुप की 12%, जो कि 7% ज्यादा है ए से, और अटेंडेंस में टोटल 15% का डिफरेंस है, ए की अटेंडेंस ज्यादा है बी से। सो इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।